कराची के इलाके सदर मार्केट में अब्दुल्ला हारून रोड पर वाक़े कोऑपरेटिव मार्केट में इतवार की रात आग लगने का वाकया हुआ और देखते ही देखते आग ने पूरी मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया। आग के सबब 300 के करीब दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई, जिससे होने वाले नुकसान का तखमीना 5 से 10 अरब रुपए लगाया जा रहा है। ताजरों के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जिसकी वजह से ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर सैकड़ों दुकानें जल गईं। दुकानों के साथ गोदाम भी आग की लपेट में आए। एक अंदाजे के मुताबिक मार्केट का 90% तक हिस्सा तबाह हो गया है। इतवार की शाम सदर मार्केट में रीगल चौक के करीब कोऑपरेटिव मार्केट में आग भड़क उठी, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के साथ साथ पाकिस्तान नेवी के फायर टेंडर्स ने भी हिस्सा लिया। दो दिन तो ये हिम्मत करने में लगे हैं कि हम इस हकीकत को तस्लीम करने में लगे हैं, बाकी हमारा सासा इस तरह से पट्टी की नज़र हो गया है, आग की नज़र हो गया है, तो देखने आए हिम्मत करके। बूढ़े वालिदैन हैं, उनको हिम्मत दे रहे हैं, भाई हैं उनकी दुकानें हैं, अपनी हैं, बहनों की हैं, वो सब जिसे कहते हैं वो देख रहे हैं और अल्लाह के आगे फरियाद है इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना, एक दर बंद तो 100 दर खुलते हैं, तो ना उम्मीद नहीं है इंशाल्लाह ताला, जो अगला होगा वो भी बेहतरीन होगा। बस ये तकलीफ दे अमल है, बाकी आगे हम अल्लाह पे उम्मीद करते हैं। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान ने भी जाए वकुआ का दौरा किया। कमिश्नर कराची ने मीडिया को बताया कि ये तीसरे दर्जे की आग थी। ताजरों का कहना है कि फायर टेंडर आग लगने के 1 घंटे बाद पहुंचे, अगर फायर टेंडर्स वक्त पर पहुंच जाते तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता था। उनका ये भी कहना था कि आग बुझाने के लिए आने वाले फायर ब्रिगेड के अमले के पास आलात भी नामुकम्मल थे, जिसके सबब वो मार्केट के अंदर जाकर आग बुझाने से कासिर रहे और यूं ये नुकसान और बढ़ा। आज इनकी आजमाइश है, आज इनके ऊपर ये वक्त पड़ा है, जो ये सोच रहा है कि वो महफूज है और कल उसकी पकड़ या आजमाइश नहीं होगी, और आज वो इनके साथ आकर नहीं खड़ा होगा, मैं वफाकी हुकूमत से भी कह रहा हूँ और ख़ास तौर पे सूबाई हुकूमत, उनके वज़रा वज़ीर आला से ये बात कर रहा हूँ, और जो दीगर सियासी अकाबरीन हैं मैं उनसे ये बात कह रहा हूँ कि आज इनको दोबारा बसाने, दोबारा आबाद करने, अपने पैरों पर खड़ा होने और कोऑपरेटिव मार्केट की रौनक को बहाल करने में अगर इनके साथ हम खड़े ना हों, इनका साथ ना दिया, इनके नुकसान का इजाला ना किया, तो कल यही आग हमारे घरों में भी लगेगी, तुम्हारे घरों में भी लगेगी। मैं आज जद पे अगर हूं तू खुशगुमाना हो, मैं आज जद पे अगर हूं तू खुशगुमाना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की।